आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैं श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। उत्तराखंड राज्य के पहाड़ों पर देर रात से हो रही रिमझिम बारिश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के आसपास जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बात करें ऊंचाई वाले इलाकों में, जहां बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, औली, चमोली, जोशीमठ क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। पर्यटक स्थलों में शामिल मसूरी, नैनीताल, पौड़ी, खिरसू, गोपेश्वर, चमोली, चकराता तक बर्फ की आगोश में छा गए हैं। उत्तराखंड मौसम विभाग के अनुसार देहरादून राजधानी दून के आसपास पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज मौसम का मिजाज अचानक बदल गया, जहां मैदानी इलाकों में रिमझिम बारिश हो रही है। वहीं उत्तराखंड की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है और इस बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, जहां उत्तराखंड में बर्फबारी से जहां बागबान काश्तकारों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं मसूरी, चकराता, नैनीताल पर्यटक स्थलों में होटल मालिकों के चेहरे भी खिल उठे। इन पर्यटक स्थलों में बर्फ का लुफ्त उठाने के लिए पर्यटक प्राकृतिक प्रेमियों की आमदन बढ़ाने के आसार हैं। इस साल 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और वो लोगों के बीच में जाकर अपनी बातें रख रहे हैं। वहीं सत्ताधारी पार्टी भी अपने बचे हुए काम करने की होड़ में लगी हुई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उत्तरी हरिद्वार में लंबे समय से लोगों की मांग पर प्राथमिक चिकित्सालय का शिलान्यास किया। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि लंबे समय से उत्तरी हरिद्वार के लोगों ने चिकित्सालय, डिग्री कॉलेज और सीवर और सड़कों की मांग चली आ रही थी, जिसमें हमने उनके सारे काम पूरा कर लिया है। आज हमने प्राथमिक चिकित्सालय का शिलान्यास किया है, जिसका कार्य युद्ध स्तर पर चलेगा और वहीं उत्तरी हरिद्वार के लोगों के लिए डिग्री कॉलेज भी सुचारू रूप से आरम्भ हो गया है। पतवाला के लिए दो बड़े काम थे, एक डिग्री कॉलेज, उसमें 56 एडमिशन हो गए हैं, सारी फैकल्टी आ गई हैं, बच्चों की पढ़ाई अब जैसे ही कोरोना की गाइडलाइन आएंगी शुरू हो जाएगी। हॉस्पिटल का काम शुरू हो गया है, फ्लाई ओवर का काम का भी शिलान्यास हो गया, वो भी शुरू हो रहा है। सीवर लाइन चुनाव के बाद शुरू करेंगे, पैसा आ गया है। तो यानी भूपतवाला क्षेत्र के लिए जितने काम थे हमने सारे पूरे किए। आज चूंकि कोविड की गाइडलाइन के अनुसार हम सभा नहीं कर सकते थे, बड़ा कार्यक्रम नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने खाली सिंपली इस सारे काम को यहां संपन्न किया है। खबर मसूरी से है, जहां पर कोरोना लगातार अपना पांव पसार रहा है। उपजिला चिकित्सालय में स्टाफ की कमी होने के साथ ही आवश्यक उपकरण मौजूद नहीं होने से मरीजों को अस्पताल का रुख करना पड़ रहा है। लगातार कोरोना के केस पाए जा रहे हैं। क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर भारी संख्या में पर्यटक मसूरी आए थे, जिनसे कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा पैदा हो गया था। वहीं उपजिला चिकित्सालय में स्टाफ, नर्स और सफाई कर्मचारी की कमी बनी हुई है। अगर कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती है तो निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हम लोग पहले से तो बहुत बेहतर स्थिति में है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऑक्सीजन प्लांट ही लग गया है। इसके अतिरिक्त जंबो सिलेंडर्स भी है हमारे पास, ऑक्सीजनेटर होते हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वो भी 10 लीटर वाले आ चुके हैं। हम लोग तैयार हैं, पुराना अनुभव हमारे साथ है, पर भाई HR का इशू है। मैं समय रहते हैं, अगर वो मिल जाते स्टाफ, नर्सेज और सपोर्टिव स्टाफ, तो हम उनको और ज़्यादा ट्रेन कर सकते हैं। डॉक्टर तो पर्याप्त संख्या में है, लेकिन HR बिल्कुल ना के बराबर है। क्लास 4 में भी कोई नहीं है और स्टाफ नर्सेज भी बहुत कम हो गई है। हम लोग लगातार सूचना दे रहे हैं अपने CM ऑफिस और ऊपर शासन प्रशासन, सब जगह लिखा हुआ है कि जल्दी हमें स्टाफ भेजने का कष्ट करें, ताकि हम लोग तैयारियाँ और मुस्तैदी से कर सकें। नैनीताल के कालाडूंगी में डिस्ट्रिक्ट को ऑपरेटिव बैंक ने नई शाखा का चकल्लुवा में आज से संचालन होने जा रहा है। बैंक के शाखा प्रबंधक आशीष बिश ने कहा कि काफी लंबे समय से चकल्लुवा के लोगों को बैंक की जरूरत थी। उसी अनुरूप जो बैंक का शुभारंभ होने जा रहा है, बैंक में सरकारी स्कीमों के तहत लोन दिया जाएगा। किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय कल्याण योजना के तहत 1 से 3 लाख का मुफ्त लोन दिया जा रहा है। कार्यक्रम में पहुंचे मनोज पाठक का कहना है कि लोगों ने जनप्रतिनिधियों की मनसा का
सम्मान करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने और कोऑपरेटिव बैंक ने मंत्री धन सिंह रावत से चकलुआ क्षेत्र में बैंक खोला। किसानों को खेती और अपने विकास में बैंक सहायता प्रदान करेगा। काफी टाइम से लोगों की मांग थी कि चकलुआ में एक बैंक होना चाहिए, इसी के अनुरूप हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट बैंक द्वारा एक शाखा का शुभारंभ हुआ है। और मैं आम जनता के लिए ये कहना चाहूँगा कि इन्हें वित्तीय साक्षरता कैंप बैंक द्वारा लगाए जाएंगे और जितनी भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसमें उन्हें लोन दिया जाएगा। और सबसे मुख्य रूप से एक किसानों की आय दुगनी के लिए एक स्कीम चली हुई है, प्रधानमंत्री दीनदयाल किसान कल्याण योजना, जिसके द्वारा 1 लाख से 3 लाख तक का मुफ्त लोन दिया जाएगा। इसके लिए जो पात्र किसान होंगे उनको पात्रता के आधार पर ये लोन दिया जाएगा। नरेंद्र नगर से है जहां पर नई टेहरी कोषागार के बाद नरेंद्र नगर कोषागार में 2.5 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया। फर्जीवाड़े का घोटाला पकड़े जाने से तुरंत बाद कोषाधिकारी नई टेहरी के माध्यम से थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया। संगीत जम के इस मामले का संज्ञान लेते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टेहरी के आदेश पर पुलिस ने SHO प्रदीप पंत की अगुवाई में कार्रवाई की गई। सुसंगत धाराओं के कार्रवाई के लिए न्यायालय में पेश किया गया और इस मामले की विवेचना जारी है। मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। नरेंद्र नगर के प्रकरण में भी मुकदमा पंजीकृत है, उसमें 12 लोग के खिलाफ नामजद हैं इसमें, और इसमें विवेचना जारी है और शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनकी चूँकि जांच में जो प्रारंभिक जांच में संज्ञान में आया लगभग 2.5 करोड़ के आसपास का है, तो इसमें अब विवेचना जारी है और शीघ्र ही इसमें विधिक और कार्रवाई कर ली जाएगी। खबर ऋषिकेश से है जहां कोरोना के कहर के बीच सबसे ज्यादा मेडिकल स्टाफ की जरूरत है। ऐसे समय में ऋषिकेश में भर्ती की जगह एम्स प्रशासन की एक एजेंसी ने अपने करीब 100 मेडिकल स्टाफ को अचानक नौकरी से निकालकर बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिससे नाराज होकर मेडिकल स्टाफ ने एम्स प्रशासन और एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। सुबह से हो रहे हंगामे के बीच समस्या सुनने पहुंची तहसीलदार को मेडिकल स्टाफ के गुस्से का सामना करना पड़ा। हंगामे की वजह से OPD पहुंचे मरीजों को भी काफी फजीहत झेलनी पड़ी। बड़ी संख्या में मेडिकल स्टाफ के बाहर निकाले जाने से एम्स के अंदर स्वास्थ्य सेवा लड़खड़ाने की भी आशंका जताई जा रही है। स्टाफ का साफ कहना है कि जब तक उन्हें उनकी नौकरी वापस नहीं मिलती वे एम्स प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन और नारेबाजी करते रहेंगे। वहीं एम्स के PRO हरीश थपलियाल ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, फिलहाल अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। मेरा नाम युद्धवीर सिंह है, मैं सर्जिकल ऑनकोलॉजी वार्ड में हूँ, पिछले 6 महीने से वहाँ पे काम कर रहा हूँ और मैं हॉस्पिटल अंटेनर हूँ। हमें सडनली अचानक कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी और हमें अचानक ही कल नाइट को लेटर दे दिया, तुम्हें एम से हटाया गया। हम ये जानने चाहते थे क्यों हटाया, हमारी कोई गलती है, हमने काम नहीं किया, जो काम नहीं होता सर हम वो काम कर लेते हैं बिना उसके PP पेन। हमने 9-9 घंटे काम किए, बॉडी पैक किए हमने, आज अचानक ही हमें निकाल रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ एम्स प्रशासन कह रहे सर हमने नहीं निकाला, OTDS कह रहा हमने निकाला, हम बीच में फंस गए सर, हमें हमारे कोई सबूत में आ नहीं रहा, मैनेजर भी हमारे बैठे हैं कोई बात ही नहीं कर रहा, हमें सर इंसाफ चाहिए, हमें जॉब चाहिए अपनी। प्रियंका, मैं प्राइवेट बोर्ड से HO हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हम पिछले 2 साल से मैं यहाँ पे नौकरी पे हूँ और हमने पैसे भी भरे हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। पूरे कोविड टाइम पे हमने पॉजिटिव पेशेंटों के साथ ड्यूटी करी है, 8-8 घंटे हमने PP पहन के हम लोग पॉजिटिव भी हुए हैं, कोई हमें देखने के लिए नहीं आया। 2-2 महीने में एक बार हमारी सैलरी आती है, ओके, हमने सब कुछ झेल लिया है, पर आज बाहर आई हमारी नौकरी की, सब हमको बाहर कर रहे हैं। खबर रुड़की से है जहां नगर निगम बोर्ड की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। मेयर के खिलाफ पार्षदों ने जमकर नारे लगाए। आपको बता दें कि नगर निगम बोर्ड में बैठक में जमकर हंगामा हुआ जहां पार्षदों ने गौरव गोयल मेहर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नगर निगम पार्षद की ओर से काफी समय से बोर्ड बैठक बुलाए जाने की मांग की जा रही थी, जिसके बाद आज नगर निगम बोर्ड बैठक बुलाई गई, जिसमें भारी हंगामे के बीच प्रस्ताव पास हुए। पार्षदों की ओर से बोर्ड की मीटिंग के दौरान रुड़की मेयर गौरव गोयल मुर्दाबाद जैसे नारे लगवाए गए। पार्षद का आरोप है कि गौरव गोयल नगर निगम में अपनी मनमानी करते हैं। शहर के विकास के हमने प्रस्ताव रखे थे, कुछ प्रस्ताव पास हुए, कुछ पास नहीं हो पाए, बहुमत के साथ जो भी प्रस्ताव पास हुए उनसे शहर का विकास करने का पूरा प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से शहर का सर्वांगीण विकास हो। हमारे नए नगर आयुक्त आए हैं, सहायक नगर आयुक्त आए हैं और मैं समझता हूँ कि हमारी टीम पूरी हो चुकी है, हमें आ चुके हैं, 2 नए सैन्य आ चुके हैं, निश्चित रूप से अब चौमुखी विकास करेंगे, सब लोग मिल करके चलेंगे और शहर के अंदर बेहतर से बेहतर रिजल्ट हो ऐसा हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि अब कोविड काल ऐसा प्रतीत होता है धीरे धीरे बढ़ रहा है। सैनिटाइजिंग शहर के हर मोहल्ले तक हो, हर घर तक हो, ये हमें सुनिश्चित करना है।
फुरकान अहमद ने पुरानी गंग नहर के क्षतिग्रस्त पुल पर लगाई गई बैरियर का फीता काट कर उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक हाजी फुरकान अहमद ने कहा कि पुरानी गंग नहर का पुल क्षतिग्रस्त की मरम्मत कराने के लिए विधानसभा में कई बार प्रशासन लगा चुका है, कई कार्य करने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि विधायक निधि से 53,000 रुपए की लागत से छोटे वाहनों के लिए पुल पर बैरिगेटिंग का कार्य कराया गया है, जिससे हल्के वाहनों का आना जाना बंद ना हो। हमारे लोग बड़े परेशान थे क्योंकि पुल बंद पड़ा हुआ था। हमने अधिकारी से बात की, हम हर बार विधानसभा में क्वेश्चन भी लगाया कि हमारा जो पुल तत्काल खोला जाए, तो सरकार गोल मोल जवाब देती रही। अपने विधायक निधि से आज ये इसका एंगल लगाई, जिससे मान लो जो बड़ा वाहन ना यहाँ निकल सके, छोटे वाहनों के लिए, छोटी गाड़ियों के लिए आज ये पुल चालू हुआ। क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि ये बीजेपी वालों ने किया है, ये आप वोट देख सकते हैं कि विधायक निधि से, तो हम 2021 में जो विधायक निधि है उससे आज इसका उद्घाटन हुआ और उसके द्वारा ये कार्य किया गया। खबर हरिद्वार से है, जहां पर हरिद्वार के डीएफओ धर्म सिंह बीड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वन विभाग किस तरीके से कार्य कर रहा है और इससे क्या क्या प्रोजेक्ट हैं इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हाथी भोजन की तलाश में आबादी क्षेत्र में घुस जाते थे, जहां हमने इनके लीडर को कॉलर रेडियो लगाया, जिसके कारण इनकी मूवमेंटो का पता चल जाता है और हम आने वाले समय में 5 से 6 हाथियों के रेडियो कॉलर करेंगे, जिससे कि पता लग सके कि हाथियों का मूवमेंट किस जगह है और जब ये आबादी वाले क्षेत्र में आए तो हम इनको दूर कर सके। यह हमारी शॉर्ट तकनीक है और अगर हम लॉन्ग टेक्निक पर जाएं तो हम गांव वालों के साथ वर्कशॉप करेंगे, जिसमें उनकी फसलों के बर्बाद होने के बारे में जानकारी दी जाएगी, जहां उनसे आप दूसरी तरह की फसलें उगाएं, जिससे कि हाथियों के मूवमेंट आपकी खेतों के तरफ ना हो सके। और साथ ही हरिद्वार के भोगपुर रेप्टाइल और क्रोकोडाइल पार्क बनाया जाएगा। इसके अलावा हरिद्वार में बुग्गा वाला क्षेत्र में लेपर्ड पार्क भी बनाने की योजना चल रही है। लेपर्ड सफारी पार्क का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां हरिद्वार में डीएफओ धर्म सिंह बीड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां वन विभाग के कार्यों की जानकारी दी गई। उसमें हाथियों के ट्रैकिंग डिवाइस के लिए बात की गई, जहां पर उन्होंने बोला गया वहां पे ट्रैकिंग डिवाइस उसमें लगाए जाएंगे, जिसमें गांव वालों के साथ वर्कशॉप भी की जाएगी, जिसमें उनकी फसलों के बारे में जानकारी देंगे और उनसे कहेंगे कि आप दूसरी तरह की फसलें उगाएं, जिससे कि हाथियों का मूवमेंट आपकी खेतों की तरफ ना हो सके। और साथ ही हरिद्वार की भोगपुर रेप्टाइल और क्रोकोडाइल पार्क बनाया जाएगा और इसके अलावा हरिद्वार के बुग्गा वाला क्षेत्र में लेपर्ड पार्क बनाने की योजना भी चल रही है। लालकुआ में राज्य के शासन काल 5 पूरे हो चुके हैं, जहां विधानसभा के हल्दू चौड़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार की ओर से किए गए कार्यों को जनता के सामने रखा गया, जहां कार्यक्रम के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वर्चुअल एलईडी के माध्यम से संबोधित किया गया, जिसमें सरकार के 5 साल नए इरादे युवा सरकार का नारा दिया गया। सरकार का जो है 2013 से लंबित गोलापार सूखी नदी के पार नकेल का पुल है, जिसका 7,17,00,000 रुपया कल सरकार ने जियो करके वहां के लोगों को सरकार का तोहफा दिया है। यहीं से शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो कार्यक्रम है सरकार के 5 साल नए यादें युवा सरकार, हम अपने 5 साल के किए हुए कामों को, 5 साल के जनता को दिए हुए लाभों को जनता के सामने एक बार रिहर्सल कर रहे हैं, पूरे रहे हैं। ऊपर एक शासकीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जो सीधे सभी 70 विधानसभाओं में सजीव प्रसारण उनका संबोधन का सीधा प्रसारण किया जाएगा और इसके अतिरिक्त जितने भी स्वयंसेवी सहायता समूह हैं, जितने लाभार्थी हैं, उन लोगों को भी यहाँ बुलाकर संबोधन का काम किया जाएगा, उनको प्रोत्साहन का भी कार्य किया जा रहा है। विधानसभा विरान कलियर के ग्राम हिमलीखेड़ा में बहुजन समाज पार्टी के हुए कार्यक्रम में पैसे का मामला आया सामने, जहां जिसमें दिन दहाड़े न मिलने को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन जिसने दिहाड़ी लेने की बात कही उससे कहा गया कि मुझसे गलती से कहा गया था कि मैं दिहाड़ी पर आई हूँ और बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम में जो कार्यकर्ता मेरे साथ गए थे वह सब बिना पैसे के गए थे, हमारा किसी से पैसे के साथ कोई लेना देना नहीं है, हम सब बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं और हम विधानसभा पिरान कलियर से सुरेंद्र सैनी को जिताने का काम करेंगे।
सितारगंज में ग्राम सभा पंडरी सैकड़ों महिलाएं उपजिलाधिकारी सितारगंज कार्यालय पहुंची, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने उपजिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर पीले राशन कार्ड के बदले सफेद राशन कार्ड की मांग की है। वहीं सितारगंज ग्राम सभा पांडव में गरीब व्यक्तियों के राशन कार्ड एपीएल से बीपीएल और अंत्योदय किए जाने की मांग की है। कई जगहों पर गरीब बस्तियों में रास्तों की समस्या है और कठिनाई से गुजरना पड़ता है। वहीं रोड और नालियों की समस्या का समाधान कराने की मांग की गई है। गरीब जनता है और इनके पास में सभी गरीब हैं, इनके पास में पीले राशन कार्ड दे रखे हैं। ये देखना है, इनकी इंक्वायरी बैठा ली जाए और पीले राशन कार्ड हटा के इन लोगों को सफ़ेद कार्ड बनाया जाए। इन लोगों को बताओ 15 रुपये और 17 रुपये किलो अनाज मिल गया है, अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? पूरे दिन की मेहनत करके बंदा अगर शाम को कमा के ला रहा तो उसकी कमाई तो 5 किलो गेहूं में ही खत्म हो जाती है। सरकार ने पैसे वालों को तो दे रखे हैं बीपीएल कार्ड और गरीबों को दे रखे हैं एपीएल कार्ड, तो ये तो कहीं की तरीका नहीं है भाई। कहते हैं अभी तुम्हारे नाम का राशन नहीं आया तुम्हारे कार्ड का, और हम जब जाते हैं कोटे वाले कने तो कहता प्रधान कने जाओ कार्ड के नाम से 15 रुपये किलो राशन मिल गया। ये बताओ 100 रुपये की मजदूरी होती है, घर में भुआ लेने जाए या ये खाना खाएं, ये बताओ कहाँ तक जाए, गरीब आदमी कहाँ तक करेगा हमारे लिए, ये मुझे बताओ। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।